वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू एंड वेलकम अगेन टू माइक्रो टॉक। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ओके, जिसको हम शॉर्ट में MHC भी बोलते हैं। ओके, क्या है इसकी फुल फॉर्म? मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज MHC, क्या है MHC, व्हाट इज HLA, ओके, HLA क्या है, क्लासेस कौन कौन सी हैं MHC जीन्स की, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और फंक्शंस क्या क्या होते हैं MHC, जो फर्दर MHC जीन्स हैं अलग अलग उनके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज MHC? ओके, जो रिसेप्टर होते हैं टी सेल्स पे, क्या कहाँ पे? टी सेल पे जो रिसेप्टर मिल रहे हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? MHC एंटीजन्स कहते हैं। ठीक है, क्या है? MHC एंटीजन्स, ठीक है, या फिर MHC ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या करते हैं? कोड, ये जो MHC एंटीजन्स हैं ये कोड होते हैं वन सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, एक सेट ऑफ जीन्स से ही क्या करते हैं? कोड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, मैं फिर से समझा रही हूँ, जो टी सेल्स होती है उसमें क्या मिलते हैं? वो स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? MHC एंटीजेंस, ठीक है, जो कोड होते हैं किससे? मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से। देन जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं MHC के, वो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंट्रासेल्युलर रिकॉग्निशन एंड डिटर्मिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ओके, ठीक है, ये क्या करते हैं? जो सेल के अंदर पैथोजन आया है उसको क्या कर रहे हैं? यस, उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन कौन सा जो एंटीजन आया है वो सेल्फ है, मतलब हमारा है, जो भी चीज़ बॉडी में है वो सेल्फ है, यानी कि सेल की अपनी है या बॉडी की अपनी है, या नॉन सेल्फ है, उसके बाहर की है, बॉडी के बाहर की है। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज MHC इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 इन ह्यूमंस। ओके, याद रखने की बात है, जो MHC है क्रोमोसोम नंबर 6 में ह्यूमंस में होता है, और क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है माइस में। ओके, जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो ह्यूमंस में कहाँ पे है? क्रोमोसोम नंबर 6 में, और क्रोमोसोम नंबर 7 पर है माइस में। ओके, जो कि MHC को हम ह्यूमंस में क्या कहते हैं? HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जब ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमंस में कह रहे हैं इसको हम HLA। ओके, एंड हिस्टोकंपैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स, ओके, किस में कहते हैं? माइस में, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट है। ओके, ये याद रखने का है, यहाँ पे एक बार फिर से डिफाइन कर रही हूँ मैं, क्रोमोसोम नंबर 6 पे ह्यूमंस में प्रेजेंट है, और इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ओके, एंड क्रोमोसोम नंबर 17 में प्रेजेंट है माइस में, जिसको हम कह रहे हैं क्या? हिस्टोकंपैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ओके, जो MHC जीन्स हैं वो कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस होते हैं, मतलब ये पेरेंटल क्रोमोसोम को भी एक्सप्रेस करेंगे और मैटरनल को भी। ओके, पेरेंटल पैटर्नल को भी करेंगे एंड मैटरनल को भी। पैटर्नल क्रोमोसोम वो होता है जो हमें फादर से मिलता है, और मैटर्नल क्रोमोसोम मदर से मिलता है। ओके, MHC जीन्स आर कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस एवरी सेल दैट एक्सप्रेस MHC मोलिक्यूल्स एक्सप्रेस प्रोटीन ट्रांसक्राइब फ्रॉम बोथ द मैटर्नल एंड पैटर्नल ओके क्रोमोसोम्स। यही बता रहा है कि इसमें दोनों ही जीन क्या होंगे? यस, एक्सप्रेस होंगे। ओके, किसकी वजह से? MHC मॉलिक्यूल्स के वजह से, ठीक है, कैसे? कोडोमिनेंटली, मदर का भी एंड यस पैटर्नल इनके फादर का भी। ओके, देन ईच इंडिविजुअल एक्सप्रेस अ डिस्टिंक्ट एरे ऑफ MHC मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब में अलग अलग जो MHC मॉलिक्यूल हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होंगे, बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन अ स्पीशीज हैव अ रेंज ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स ऑफ MHC जीन्स।
ओके सपोज़ हम एक स्पीशीज़ लेते हैं यहाँ पे ह्यूमंस की, ओके हमारी हम ह्यूमंस हैं, हमारी स्पीशीज़ क्या है सेपियन, और सब स्पीशीज़ भी क्या है यस सेपियंस, ओके हम हैं ह्यूमन सेपियंस सेपियंस, ओके तो एक ही हर एक इंडिविजुअल में चाहे वो सेम स्पीशीज़ का हो, ओके उसमें जो MHC मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ओके क्यों, क्योंकि जो सब भी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जितने भी पर्सन हैं सब में MHC जीन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। जो MHC जीन्स हैं वो ट्रेडिशनली 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, MHC फर्स्ट, MHC सेकेंड एंड MHC थर्ड जीन्स। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली क्लास है हमारी MHC क्लास 1 या फिर क्लास फर्स्ट MHC जीन्स कह सकते हैं हम इनको। ये क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एक्सप्रेस बाय क्लास बाय दिस क्लास, ओके ये क्या हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इस क्लास से एक्सप्रेस होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल्स के बारे में, ओके या फिर हम कह सकते हैं क्लास फर्स्ट MHC जीन्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं MHC फर्स्ट क्लास में, ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन जो एक्सप्रेस हो रहे हैं किससे, MHC फर्स्ट क्लास के मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं MHC एंटीजन क्लास फर्स्ट की वजह से, वो क्या होते हैं न्यूक्लिएटेड सेल में एक्सप्रेस होते हैं मोस्टली, ओके किसमें, न्यूक्लिएटेड सेल्स में। इन इस पूरी क्लास का जो मॉलिक्यूलर वेट है इंक्लूडिंग अल्फा यूनिट एंड बीटा यूनिट कितना है, 43 किलो डाल्टन्स। इसका जो फंक्शन है ये क्या करती है, इंटरेक्ट करती हैं किससे, CD8 मॉलिक्यूल से, और ये एसोशिएट होती हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल से, ओके यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया हुआ है आपको खुद से, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके ये एक्सटर्नल पोर्शन है और ये इनसाइड द सेल है, ओके ये इनसाइड सेल है, ओके जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई हुई है पूरी, ओके यहाँ पर ये मैंने दिखाया हुआ है। कोई भी MHC मॉलिक्यूल 2 यूनिट्स का बनाता है, अल्फा यूनिट का एंड बीटा यूनिट का, तो यहाँ पर ये वाली यूनिट, ये यूनिट और ये यूनिट क्या है, अल्फा यूनिट, ये क्या है अल्फा 1, ओके ये है अल्फा 2 एंड ये है अल्फा 3, ये वाली यूनिट क्या है, यस ये यूनिट है बीटा 2m, ओके अगर मैं अभी इसको हटाऊं यहाँ से तो ये जो यूनिट है, ओके जैसे अल्फा यूनिट है या बीटा यूनिट है, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ओके मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे S और S से रिप्रेजेंट किया है, ओके मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी कैसी यूनिट है, अल्फा यूनिट है और एक बीटा यूनिट इसके साथ जुड़ी होगी, ठीक है जो ये यूनिट क्या है अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, देन जो ये वाली यूनिट क्या है, इस यूनिट का नाम है बीटा 2m। अब ये जो यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं ये किसकी वजह से कनेक्टेड हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से, इनके सल्फर एंड सल्फर बॉन्ड की वजह से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ओके डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इधर क्या होता है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये इनसाइड द सेल पोर्शन होगा और ये आउटसाइड पोर्शन होगा, ओके यहाँ पर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है क्योंकि सीड, ये जो हमारी सेल है मतलब ये जो हमारा MHC मॉलिक्यूल है वो किसको किसके साथ एक्सप्रेस होता है, किसको एक्सप्रेस करता है, CD8, ओके CD8 रिसेप्टर, मैंने बताया अभी यहाँ पे इंटरेक्ट विद CD8 मॉलिक्यूल, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, CD8 मॉलिक्यूल्स को, देन ये जो एसोशिएट होता है वो किसके साथ होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के साथ, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से बताई दिया है। देन नेक्स्ट है हमारा क्लास सेकंड MHC मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक
ठीक है, दे आर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन मोलिक्यूल्स विथ साइटोप्लाज्मिक टेल एंड एक्स्ट्रासेलुलर आईजी लाइक डोमेन्स। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल जी आएगा कि कैसा, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइक डोमेन होता है इनका। ओके, ये क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन मोलिक्यूल हैं जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक टेल मिलती है। ओके, इनका जो मोलिकुलर वेट है वो अल्फा चेन का कितना है, 35,000 डाल्टन एंड 28 जो बीटा चेन है उसका कितना है, ये वाला है किसका, बीटा चेन का ये कितना है हमारा, 28,000। ओके, देन फंक्शंस, अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये इंटरेक्ट करती हैं CD4 मॉलिक्यूल से और ये एसोसिएटेड होती हैं टी हेल्पर सेल्स से। ओके, यानी कि जो साइटोटॉक्सिक सेल से थे अटैच्ड वो कौन थे, MHC फर्स्ट, और टी हेल्पर सेल से कौन अटैच्ड है, यस MHC सेकेंड। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ी हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम तो आपको पहले वो पढ़नी चाहिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है किसका, MHC क्लास सेकेंड जीन का। ओके, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई हुई है यहाँ पर, ये क्या है, दो यूनिट होती हैं इसमें किसकी, अल्फा की और दो बीटा की। ओके, टू टाइप की चेन है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, जिसकी दो सब यूनिट हैं, अल्फा वन अल्फा टू एंड बीटा वन एंड बीटा टू। ओके, ये वाली कौन सी चेन है, ये चेन है हमारी अल्फा, और इधर ये चेन है हमारी, यस, बीटा चेन। ओके, यहाँ पर ये है अल्फा वन, ये है अल्फा टू, ये बीटा वन एंड बीटा टू। ओके, मैं इसको, ये जो इसको अगर मैं समझाऊं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये हमारी यूनिट है, ये अल्फा वन, ये अल्फा टू, ये बीटा वन एंड बीटा टू। ओके, ये क्या है, इनसाइड सेल है, ये आउटसाइड सेल है। ओके, तो इसमें ये जो इसकी टेल हैं वो दोनों के दोनों कहाँ पे अटैच रहेंगी, यस, ये अटैच रहेंगी साइटोप्लाज्म में, जबकि MHC वन जीन था उसमें सिर्फ एक टेल अटैच थी, लेकिन इसमें टू टेल अटैच है। ये भी सेम कैसे जुड़ी होंगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं हर एक यूनिट आपस में। ओके, ये जो रिप्रेजेंट करती है वो किसको, CD4 को, या फिर हम कह सकते हैं ये जो इंटरेक्ट करती है वो किससे करती है, CD4 मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है। ओके, देन नेक्स्ट इज MHC क्लास 3 जीन्स, इसका SH कोई बहुत बड़ा रोल नहीं नोन है। ओके, ये क्या होते हैं, जीन कोड करते हैं फॉर सेवरल सिक्रेटरी प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बहुत सारे प्रोटीन्स को सिक्रीट करने का काम करती है, इन्फ्लेमेटरी मोलिक्यूल्स को सिक्रीट करने का हेल्प में हेल्प करती है, और हार्ट स्ट्रोक प्रोटीन्स को भी कोड करती है ये। ओके, किस किस को कोड कर रही है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स को, इन्फ्लेमेटरी मोलिक्यूल्स को एंड हार्ट स्ट्रोक प्रोटीन्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MHC जीन्स, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. And also don't forget to subscribe this channel, and thanks for watching.